मंच पे बैठे प्रबुद्ध विद्वान, ते मेरे सामने बैठे सत्संग जी, वाहिगुरु जी का खालसा और वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु तेग बहादुर साहब ते अज 46 साल बाद आप फिर दोबारा इकट्ठे हो रहे हैं। पहला एक शहीदी 300 साल आप सेंटनरी मिला चुके हैं। डॉक्टर एस पी सिंह जी, ये कोई इतफाक नहीं कि यूनिवर्सिटियां नूं कितें बदनाम करन दी कोई मंशा भी नहीं, पर माफ करना जी कि जिन्ना वधिया इतिहास लिखा जा चुका सी उस नूं तोड़न दे लई पहलां पंजाबी यूनिवर्सिटी, चार स्कॉलर्स, क्योंकि एक बड़ी है कि नाम जरूर लो, डॉक्टर जी एस आनंद, उन्होंने पीएचडी कराई गई आगरा यूनिवर्सिटी तो, उस वक्त मैं एमए कर चुका सी, ते जिहड़ी एडवर्टाइजमेंट आंदियां सी ना रिक्वायर्ड लैक्चरर्स फॉर हिस्ट्री ये वो, तो नाम लिखे नॉट फ्रॉम आगरा यूनिवर्सिटी, डॉक्टर जी एस आनंद, डॉक्टर फौजा सिंह, डॉक्टर गड्डा सिंह, और विवाद नू इन्नी की तूल दित्ती जिन्ना स्थापित किया इतिहास सी उस नू इस कदर रोलिया गया, डिस्टॉर्ट किया गया। स्टेट्समैन कैलकटा तो छपदा सी अखबार, उहदे च मैं सारियां कटिंग मेरे को पई हैं, सिख रिव्यू च, पर उहदी शुरुआत करन लई पंजाबी यूनिवर्सिटी दे हैड ऑफ द हिस्ट्री डिपार्टमेंट डॉक्टर फौजा सिंह चुनिया गया, जबकि यूनिवर्सिटी के 6 जर्नल्स अपने चल रहे थे। गुरु नानक यूनिवर्सिटी का पहला जर्नल जरा जर्नल ऑफ सिख स्टडीज जो तो शुरू हो रहा आर्टिकल उस लिखाया गया, और उन्होंने एक देती गई भी तेनों वाइस चांसलर उसे लवा देना, और एक बहुत ही वधिया इतिहासकार साडा जिहड़ा है ना, बहुत वधिया इतिहासकार डॉक्टर फौजा सिंह जी देन बहुत इतिहास नूं उह रोल दिता गया। फिर उन्हां दे जिहड़ा पेपर सी उत्ते फिर विवाद, हुण विवाद जिहड़े ने जी विद्वान खड़े करने शुरू कर देण ते फिर आम जनता ते फिर आपे नेरे च है। विवाद सुलझाण लई जिहड़े ने विद्वान हुंदे ने साडे यूनिवर्सिटियां दे विचों जो जर्नल्स ने, खैर उह तुसीं उहदे च देखोगे कि उहदे च विवाद खड़ा की कीता गया। एक नवें डॉक्यूमेंट लभे पटवईआं, ठीक अच्छी चीज़ है, कोई भी डॉक्यूमेंट तुहाडे कोल आए उहनूं तुसीं जरूर वाच करो, पर उहनूं ब्लाइंडली तुसी कोट करके टोटल गुरु तेग बहादुर साहब की हिस्टरी बदल दो, फिर मुगल हिस्टरी दे डेट्स नहीं देखो, उन्होंने ईवेंट्स ना देखो, असाम की जी लोकल हिस्टरी उन्होंने ना देखो, त्रिपुरा की जी लोकल हिस्टरी उन्होंने ना देखो, जयपुर की जी हिस्टरी है वह ना देखो, तो मुगल हिस्टरी जी है उन्होंने ना देखो, तो फिर इस तरह ही मार पैंदी है। जिमें कि उस वक्त फिर डॉक्टर फौजा सिंह फिर माफ़ी मंगनी पी उस चीज़ की। अज भी जी उन्हें किताब पंजाबी यूनिवर्सिटी ने छापी है गुरु तेग बहादुर साहब मार्टर एंड टीचर, वो कोई वधिया चीज़ा नहीं है। सर एस पी सिंह ने गल की थी, 3 अरैसट गुरु साहब दियाँ शो की गई भी, 3 बारी गुरु साहब न अरैसट किया गया। पहली बारी 1665 च, तो गुरु साहब राजा मिर्जा राजा राम सिंह की कस्टडी रखे गए, तो उतों खिसक गए भज गए। दूसरी आरी फिर वो निकले ने, फिर वो जिहड़ा कि मिर्जा राजा राम सिंह ने जान दिता, चलो जाओ जी गुरु जी तुसीं भी जाओ, पर कदी जयपुर की हिस्टरी मुगल हिस्टरी नहीं चैक की भी ये मिर्जा राजा राम सिंह की कस्टडी की। वह तो शिवाजी जो कस्टडी चो निकल चुका सी, वो तो ऑलरेडी आप ही जी सारे मनसब उतारते गए सी, सारिया पावर ही खोलिया गई सी।
फिर गुरु साहब दे तीन सफर दसे गए, मैं तो बहुत संखेप च दस रहा जो सारी किताब तैयार कर रहे हैं। तीन सफर दसे गए, पहला सफर हरिद्वार तक वापस आ जाते हैं, दूसरा सफर पटना साहब तक है वापस आ जाते हैं, तीसरा होया नहीं, वो पटवईयां च नहीं मिलता। तो गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म 1661 च पटना साहब ही, पर पटना साहब जिहड़ा है वह जमुना नदी के कंढे दस रहे हैं। मतलब टोटल हिस्ट्री इन्नी कु डिस्टॉर्ट की गई। फिर यह नहीं सी डॉक्टर गंडा सिंह जी ने अपना एक ही प्रोफेसर एक सी एस के बजाज, वो जिस बंदे ने एक पेपर नहीं लिखा गुरु तेग बहादुर साहब से, उन्हें डॉक्टर तलोचन सिंह की किताब गुरु तेग बहादुर प्रॉफिट एंड मार्टर उसका एक बहुत ही घटिया रिव्यू लिखाया गया। कदों जो किताब छवे नूं 10 साल हो गए सी, सारी किताब बिक चुकी सी। तो ना तो डॉक्टर फौजा सिंह वीसी लग सके, वीसी बने डॉक्टर जे एस गरेवाल जिन्होंने उन्होंने जी आर्टिकल धज्जियां उड़ाइया। ठीक, सो ये जिहड़ियां लालच ने ना ये सानू पैर साढ़े उखेड़ते हैं। अज भी तुसीं देख लो आए तो आप गुरु तेग बहादुर साहब के बंदे होए पर निकल गए जथेदार साहब नाल। गुरु तो परे बैठा हले, उन्हें पता नहीं कदों की दे देना, देना कि नहीं देना। सो हुण असी वो जिहड़ा सी ना मैन इज अ सोशल एनिमल, मैन इज नो मोर अ सोशल एनिमल, मैन हैज बिकम ए पोलिटिकल एंड सोशल एनिमल, नहीं इकनोमिक एनिमल, अपना फायदा देख रहा, पोलिटिकल देख रहा भी सियासत मेरी कित्थे जा सकती है। तो सियासत जिहड़ी है सियासत राजनीति ते बदनीति, ते गुरु ने जिहड़ी वो राजनीति नहीं कीती जिस बदनीति हो गई। फिर एक होर साढ़े सिख बड़ी दावा करते हैं और अच्छा दावा करते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब एक ऐसा ग्रंथ है जिस हरेक सवाल का जवाब है, पर जो तुम सोशल मीडिया से देखोगे सारे तो ज्यादा सवाल सिखा को, जिवें एस पी सिंह जी ने कहा ना, डॉक्टर एस पी सिंह जी ने भी कहा भी गुरु ग्रंथ साहब नूं स्थापित करता, मत्था टेकते हैं इज्जत करते हैं पर उहदी मंदे नहीं, क्योंकि ये सवाल मैं सरदार कपूर सिंह नूं कीता सी भी ये सारे जिहड़े साडे लीडर है ये मत्था टेकते ने इज्जत करते ने तो मंदे क्यों नहीं। कहिंदे काको कहिंदे भी ठीक है भी जद गुरु की वोट होएगी तो मन्नांगे। जदों असी गुरु नूं गुरु नहीं रहण दिता, वो शताब्दी है 26वीं शताब्दी है, तो गुरुद्वारे साढ़े डॉक्टर बलकार सिंह का एक मैं सवेरे पैंफलेट मिलया गुरुद्वारा सुधार की लोड़ क्यों, गुरुद्वारे तो बहुत सुधार ले, सोने लाते संगमरमर लाते इन्ना क्यों लाता, आप तो असी सुधरे नहीं। साढ़े गुरुद्वारे एजुकेशन सेंटर होने चाहिए सी, किसी गुरुद्वारे बार कोई अच्छी पुस्तकालय है बुक सेंटर है, वर्ल्ड क्लास बुक सेंटर होना चाहिए सी हरेक वड्डे गुरुद्वारे बार। अकल नू यही भी गल सरदार कपूर सिंह ने कही सी कि काका इह तां डंडा लगे बैठे बाहर भी अकल अंदर नहीं जान देनी। ते जदों असी अकल ही नहीं अंदर जान देनी ते सिक्खी दा प्रचार किवें होएगा। यह 26वीं है शताब्दी, यह 26वीं शताब्दी जिहड़ी सी मना रहे हां, ते अगलियां दी लिस्ट बना के रखी है भी तंबूआं चों किन्ने खाने ने, तो सन्मान करके सन्माना चों किन्ने खाने ने शाला चों, तो फिर जे कांग्रेस कर रही तो कांग्रेस नाल, जे भाजपा कर रही तो भाजपा नाल, यह जे साडे किरदार हो गए ने। सिख कदी भी माड़ा नहीं होएगा, सिखी नूं कोई खतरा नहीं, खतरा है सिखां नूं जिहड़े सिखी तों भटके ने। अकैडमिक्स दे विच अकैडमिक्स दी गल होवे उत्थे सियासत क्यों चले, चलो चल लो पर मात्रा सैल्फिश होना कोई गल नहीं, सैल्फिश होएगा तो बंदा थोड़ा बहुत काम कर लेगा पर उस मात्रा जिहड़ी काउंट करदी है। हुण मैं तुहानूं दस्सिया कि गुरु तेग बहादुर साहब दीआं तीन रैस्ट, तीन उहनां दे पूरब वाली यात्रा करी
हो गया जी। तीन उन्हां दी पूरब वाली यात्रा दस रहा सी, तो वह भी जो गुरु नहीं बने, इन्होंने गुरु जिहड़ा एक पैरल गुरु बन के वो प्रचार कर रहा सिखी का, जबकि सिखी च कभी होया नहीं सी। सब तो वड्डी गल ये है, सो आग्या हुई कि ब्रीफ करन दी एक गल करके मैं बंद करांगा इह लैक्चर नूं। धन्नवाद भी करना भाई नंद लाल, भाई गुरदास, भट साहबान, भाई मनी सिंह, ये तो गुरुआं नूं बहुत नेड़े देखे इन्होंने, पर कोई गुरु की देह की गल नहीं करता। उन्होंने मिस्टिकल परसनैलिटी की गल करते हैं, तो सानू जी मिस्टिकल परसनैलिटी है वह उस्तत लगती है, क्यों असी समझे नहीं। जो समझांगे तो कोई सानू प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बाकी है कि सिखी जी है ना, सिख के घर च पैदा होकर नहीं मिलती है। डंकन ग्रीनिस ने कहा एक कमाई है, तो कमाई जाती तो विरले कमाते हैं, तो इस चीज़ पर अपन अफसोस भी नहीं होना चाहिए भी यह क्यों नहीं, तो आ क्यों नहीं। औरंगजेब की राज कित्थे सी, सारे हिंदुस्तान च, तो गुरु तेग बहादुर की शहादत ने लाल किले तो लैके तो चांदनी चौंक तक समेट के रखता। लाल किले तो चांदनी चौंक तक राज रह गया सी। एक तरफा जिहड़ा राज है ना, एक भाषा एक धर्म ये चलते नहीं। उस वक्त भी फेल, हुण भी फेल होणगे। अज अजोकी स्थिति दे विच सानू ये चीज़ां देखनियां पैणगियां। मेरा तह दिलों सारी संगत का बहुत धन्यवाद है जिन्हां ने अपना समा कढ के इस पवित्र पुरब ते गुरु नूं याद करन लई अपना समा कढ़िया। इन्नियां कु बेनतियां कबूल करनियां जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की।